नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, अभी तक की आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत HP का गैस कनेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद में दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है PMUY। PMUY लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PMUY होम, मतलब कि यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर आप आ चुके हैं। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 करोड़ परिवारों को खुशियों से किया रोशन। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है कि उज्ज्वला कनेक्शन अब नहीं हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, यानी कि यहाँ से आप उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टोटल इंग्लिश में आ रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करें नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पात्रता बता देता हूँ और यहाँ पर क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी तक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वो केवल महिला होनी चाहिए, यानी कि जो भी अप्लाई करेगा वो केवल लेडीज होनी चाहिए और उनकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में एक ही कनेक्शन एक ही व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज। अब यहाँ पर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने ग्राहकों को जानिए, यानी कि आपको एक EKYC करानी होगी। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए EKYC अनिवार्य है, असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि आप असम और मेघालय में रहते हैं तो वहाँ पर आपको EKYC कंप्लीट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आवेदक पहचान पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसे कि आधार में उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों अगर आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड से ही ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, पर वहाँ पर आपको KYC करानी होगी, यानी कि आप फिंगर लगा के कर सकते हैं या फिर आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य का ही जारी राशन कार्ड की संरक्षा को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार से दस्तावेज अनुबंध के अनुसार स्व घोषणा पत्र लगेगा। जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं तो आपको वहां का स्व घोषणा पत्र चाहिए होगा। क्रम संख्या 3 में दस्तावेज में दिखाई देने वाली लाभार्थी और परिवारों की वयस्क सदस्यों का आधार, मतलब कि जो भी आपके घर में सदस्य होंगे उनका आधार चाहिए होगा। बैंक खाता और IFSC कोड चाहिए। परिवार की स्थिति के समर्थ में अनुपूरक KYC, जितने भी परिवार में मेंबर्स होंगे उनकी सभी की KYC कंप्लीट होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आप इंडियन ऑयल के लिए कर सकते हैं, भारत गैस के लिए कर सकते हैं या फिर HP गैस के लिए कर सकते हैं। इंडियन गैस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इंडियन गैस में आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि HP गैस के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HP गैस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप myhpgas.in यानी कि HP गैस की ऑफिशियल पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आप आ सकते। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कनेक्शन रिक्वेस्ट।
और यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन टाइप, रेगुलर कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और अगर रेगुलर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसलिए उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट एवब डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, आप नेम वाइज डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोकेशन वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप लोकेशन वाइज सिलेक्ट करें। जैसे कि आप लोकेशन वाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो यहाँ पर शो होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने नियर बाई जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवाईसी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खोल करके आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कम्प्लीट नाम डालना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको कास्ट सिलेक्ट करनी है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड डिटेल्स। अब जैसे कि आपने स्टेट को सिलेक्ट ऑलरेडी बाहर कर ही लिया था, अब यहाँ पर राशन कार्ड इश्यू डेट, अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट से आपको जो राशन कार्ड इश्यू कराया गया है तो राशन कार्ड कब इश्यू कराया गया था उस डेट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ से आप चेक डुप्लीकेट्स पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है इसलिए आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन टाइप, लोकेशन टाइप में आप रूरल से आते हैं या अर्बन से आते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। रूरल या अर्बन से आते हैं जो भी आते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको हाउस नंबर डालना है, यहाँ पर स्ट्रीट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको सिटी डालना है। सिटी डालने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में अर्बन लोकल बॉडी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप आधार नंबर डाल देंगे, या फिर आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है। यहाँ पर एक बार फिर से आईएफएससी कोड डालना है, आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे तो ब्रांच नेम शो होकर के आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाला हुआ है और यहाँ पर मेरी ब्रांच नेम शो होकर के आ गया है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में क्या नाम लिखा हुआ है वो नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स। अब टाइप ऑफ कनेक्शन, आप सिंगल बोतल कनेक्शन लेना चाहते हैं या फिर आप 5 kg वाला सिलेंडर लेना चाहते हैं या डबल बोतल सिलेंडर 5 kg वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बड़ा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो 14.2 पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आधार कार्ड को ही देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, या फिर आप पासपोर्ट सिलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट आईडी डाल देनी है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसकी आईडी और उसका नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों अपलोड सेक्शन। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ था वही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा जो कि 50 KB से कम हो, जो भी गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब जैसे कि राशन कार्ड आपका नहीं बना हुआ है तो फैमिली कंपोजिशन एनेक्शन माइग्रेशन आपको फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खोल करके आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको नाम डालना है, आधार नंबर डालना है, स्पाउस नेम डालना है, यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। कंप्लीट एड्रेस फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल्स को डाल देना है विद आधार कार्ड नंबर, जेंडर, रिलेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको साइन कर लेने हैं, साइन करने के बाद में आपको इसका एक फोटो खींच लेना है, फोटो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर,
मेंबर्स। जैसे कि दोस्तों आपने कंपोजिशन फॉर्म में जो भी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को फिलअप किया होगा वही यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। अब आपके फैमिली मेंबर में बेनिफिशियरी 3 हैं 4 हैं जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके फैमिली डिटेल्स को फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है हस्बैंड और यहाँ पर आपको उनका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में उनका आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पर आपको एज डालनी है। अब यहाँ पर आपको रीजन ऑफ आधार अनअवेलेबल पर क्लिक करके यहाँ पर सेपरेट आफ्टर मैरिज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दूसरे फैमिली मेंबर के डिटेल्स को डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके पूरी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट एवेब डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। सेम टू सेम कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यही कैप्चा आपको फिलअप कर देना है और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी। उस रेफरेंस आईडी को आपको लिख लेना है और आपके सामने एक फॉर्म खोल करके आ जाएगा। उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद में आपने इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट किया हुआ था उन डॉक्यूमेंट्स के भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं और आपको अटैचमेंट करके जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और उनको वो फॉर्म को आपको दे देना है कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, आप मेरा उज्ज्वला गैस कनेक्शन ओपन कर दीजिए। वो आपका जो गैस कनेक्शन होगा उसको अप्रूव कर देंगे और आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप एचपी गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।